कानपुर के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश जहां कानपुर और लखनऊ पुलिस कर रही है, वहीं गोरखपुर रेंज में भी एडीजी दावा शेरपा की देखरेख में पुलिस लगातार नेपाल की सरहदों पर आरोपी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने बताया, विकास दुबे के सर्च जो है चारों तरफ की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, तो एक संभावना नेपाल की तरफ भागने का भी रहता है। तो नेपाल बॉर्डर के जितने भी जनपद है वहाँ पर चेकिंग कराई गई है, अलर्ट में रखा गया है, जगह जगह पोस्टर चिपकाया गया है ताकि अगर इधर से नेपाल जाने के प्रयास करें तो वो गिरफ्तार हम लोग कर लें। सर, सबसे बड़ी बात रही पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ कभी माना जाता था लेकिन फिलहाल इधर नहीं है, लेकिन यहाँ के किस तरह से नकेल कसने की तैयारी कर रही है? देखिए, हिस्ट्री शीट खोली इसलिए जाती है कि उसकी लगातार निगरानी हो, मतलब इसका पहला पर्पस जो हिस्ट्री शीट खोलने का ये रहता है कि निगरानी लगातार बनी रहे उसके एक्टिविटी पे, उसके आमदनी पे, उसके लोगों से जिनसे आना जाना उठना बैठना है। तो आपराधिक गतिविधि और अचानक कहीं से रुपया पैसा उसके पास आ जाता है तो ये देखने के लिए हिस्ट्री शीट खोली जाती है। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि कोई इस तरह के अपराधी पनपने ना पाएँ।